प्लानर प्रदीप वर्मा गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। ₹5 लाख की ली थी रिश्वत। एंटी माफिया मुहिम में बचाने के मामले में मांगी रिश्वत। इस बात को लेके लगभग 50 लाख की डिमांड की गई थी। बाद में इनकी कुछ दो तीन बार बातचीत होती रही जो करीब 25 लाख रुपए पे आके तय हुई। इनकी सबकी वीडियो रिकॉर्ड ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी इनके आवेदन के बाद से। तो जब वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई तो ये सब चीज़ें सामने आई। उस आधार पर हम लोगों ने उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की और 0 पे एफआईआर करने के बाद आज ये ट्रैक किया है 5 लाख रुपये लेते हुए उसकी पहली किस्त के रूप में। जो जो जिस जमीन पे डुप्लेक्स बनाने का कह दिया था कि आप बना लेंगे बाद में, वो सरकारी जमीन है? वो अभी तक की जो एविडेंस है उसके हिसाब से ये मेरी खुद की जमीन है और उसकी अपनी जमीन पे ही ये इन्होंने आवेदन दिया था कि मेरी जमीन पे मैं अपना निर्माण कार्य करना चाहता हूँ। तो कुछ कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है उसमें, ऐसा इन्होंने बताया, पर वो अलग इशू हो गया। अभी तो ये इम्पोर्टेंट था कि कोई सरकारी व्यक्ति किसी काम के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है उसको लेते हुए ट्रैक की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता का नाम क्या ये पहले भी इसी तरह से अपार्ट्स डुप्लेक्स बना चुके हैं? अपार्टमेंट्स डुप्लेक्स नहीं, ये पुराना इतना रिकॉर्ड हम लोगों ने नहीं लिया अभी। ये कहाँ के रहने? अभी इसके कुछ डॉक्यूमेंट और अभी सर्चिंग के उस पर भी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, इनको सर पकड़ा कैसे गया, पूरी भूमिका कैसे बनाई? जब सारी रिकॉर्डिंग तैयार हो गई पैसे की डिमांड, तो इनके द्वारा आज बात की गई कि मैं कहाँ कैसे आ जाऊँ, तो कहाँ कैसे पहुँच जाऊँ। तो इनकी आपस में बातचीत हुई, तो जो जगह डिसाइड की गई कि मैं रास्ते में कहीं भी आपको बदल लूँगा, उस आधार पर हम लोग इनके साथ लगातार संपर्क बने हुए थे। हमारी 3-4 टीम बनाई गई थी, वो चारों टीमें आसपास लगी हुई थी। जैसे क्लियर हुआ कि वो कार में बुलाया हो कि कार में मैं कहीं पर भी पड़ाव के आसपास बुलाकर पैसे ले लूँगा, तो जैसे इन लोग मिले आपस में उसके बाद इनका आदान प्रदान हुआ। हमारा जो आपस में इशारा तय था, जैसे ही टीम को इशारा क्लियर हुआ कि पैसा का आदान प्रदान हो चुका है, तो उसके बाद टीम ने ट्रैक करके उसको रख दिया था। ये एंटी माफिया से जोड़ के बताया जा रहा है कि एंटी माफिया अभियान, ऐसा इसका कोई है क्या लेना देना? नहीं, ऐसा एविडेंस तो मुझे लगता है नहीं है। अभी तो ये था कि इनकी पर्सनली जमीन थी, उस पर अपना ये निर्माण कार्य करना चाहते थे, उसको तहत तो लेते हुए वो अपने पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन सी लोकेशन में सर इनको गिरफ्तार किया गया? ये अपना बाल भवन और इसके पास से ही कार में बैठ के शुरुआत हुई है अपना, तो वहीं उसका मूवमेंट चलता रहा गाड़ी में घूमते हुए। जैसे ही आदान प्रदान हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई इसकी पैसे देते समय की, इसकी अब ट्रांसक्रिप्ट वगैरह तैयार की जाएगी। अब इस केस में और आगे क्या क्या करेंगे, इनसे जुड़ी हुई संपत्ति और ये सारी चीज़ों की जाँच करेंगे क्या? अभी घर में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्च के लिए हम लोग उनकी टीम उनके निवास पर सर्च कर रहे हैं, तो जैसे भी आगे कुछ एविडेंस मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इस तरह कुछ चीज़ें मिलती है, तो अभी की जैसे ही डिलीवर कार्रवाई होगी। सर घटनास्थल क्या रहा है? सर इनको कार के अंदर ट्रैक किया गया है जी, कार में जी। और गाड़ी मूवमेंट में थी, बाल भवन के आसपास से घूमते हुए इधर उधर घुमा रहे थे वो गाड़ी, उनका जब आदान प्रदान हो गया तब टीम ने ट्रैक कर लिया और इसलिए इनको वहाँ संबंधित थाने में। ये गाड़ी में कितने लोग पकड़े गए सर, कितने लोग? गाड़ी में ये था ड्राइवर के साथ में था, ड्राइवर शायद वहाँ से निकल गया। ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। ₹5 लाख की ली थी रिश्वत। एंटी माफिया मुहिम में बचाने के मामले में मांगी रिश्वत। भी करा देंगे इस तरह की डिमांड थी। इस बात
बात को लेके लगभग 50 लाख की डिमांड की गई थी। बाद में भी कुछ दो तीन बार बातचीत होती रही जो करीब 25 लाख रुपये पे आके तय हुई। इनके साथ की वीडियो रिकॉर्ड ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी इनके आवेदन के बाद से। तो जब वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई तो ये सब चीज़ें सामने आई, उस आधार पर हम लोगों ने उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की और 0 पे एफआईआर करने के बाद आज ये ट्रैक किया है 5 लाख रुपये लेते हुए उसकी पहली किस्त के रूप में। जो जो जिस ज़मीन पे डुप्लेक्स बनाने का कह दिया था कि आप बना लेंगे बाद में, वो सरकारी ज़मीन है? वो अभी तक की जो एविडेंस है उसके हिसाब से ये मेरी खुद की ज़मीन है और उसकी अपनी ज़मीन पे ही ये इन्होंने आवेदन दिया था कि मेरी ज़मीन पे मैं अपना निर्माण कार्य करना चाहता हूँ। तो कुछ कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है उसमें, ऐसा इन्होंने बताया, पर वो अलग इशू हो गया। अभी तो ये इम्पोर्टेंट था कि कोई सरकारी व्यक्ति किसी काम के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है उसको लेते हुए ट्रैक की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता का नाम क्या ये पहले भी इसी तरह से अपार्ट्स डुप्लेक्स बना चुके हैं, अपार्टमेंट्स डुप्लेक्स वगैरह? नहीं, ये पुराना इतना रिकॉर्ड हम लोगों ने नहीं लिया अभी। ये कहाँ के रहने? अभी इसके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्चिंग के उस पर भी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, इनको सर पकड़ा कैसे गया, पूरी भूमिका कैसे बनाई? जब सारी रिकॉर्डिंग तैयार हो गई पैसे की डिमांड, तो इनके द्वारा आज बात की गई कि मैं कहाँ कैसे आ जाऊँ, तो कहाँ कैसे पहुँच जाऊँ, तो इनकी आपस में बातचीत हुई। जो जो जगह डिसाइड की गई कि मैं रास्ते में कहीं भी आपको बदल लूँगा, उस आधार पर हम लोग इनके साथ लगातार संपर्क में बने हुए थे। हमारी 3-4 टीम बनाई गई थी, चारों टीमें आसपास लगी थी। जैसे क्लियर हुआ कि वो कार में बुलाया हो तो कि कार में मैं कहीं पर भी पड़ा के आसपास बुलाकर पैसे ले लूँगा। तो जैसे इन लोग मिले आपस में, उसके बाद इनका आदान प्रदान हुआ। हमारा जो आपस में इशारा तय था, जैसे टीम को इशारा क्लियर हुआ कि पैसा का आदान प्रदान हो चुका है, उसके बाद टीम ने ट्रैक करके उसको रख दिया था। ये एंटी माफिया से जोड़ के बताया जा रहा है कि एंटी माफिया अभियान, ऐसा इसका कोई है क्या लेना देना? नहीं, ऐसा एविडेंस तो मुझे लगता है कि नहीं है। अभी तो ये था कि इनकी पर्सनली जमीन थी, उस पर अपना ये निर्माण कार्य करना चाहते थे, उसको तहत तो लेते हुए वो अपने पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन सी लोकेशन में सर इनको गिरफ्तार किया गया? ये अपना बाल भवन और इसके पास से ही कार में बैठ के शुरुआत हुई है। तो वहीं उसका मूवमेंट चलता रहा गाड़ी में घूमते हुए, जैसे इनका आदान प्रदान हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई इसकी पैसे देते समय की, इसकी अब ट्रांसक्रिप्ट वगैरह तैयार की जाएगी। अब इस केस में और आगे क्या क्या करेंगे, इनसे जुड़ी हुई संपत्ति और ये सारी चीज़ों की जांच करेंगे क्या? अभी घर में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्च के लिए हम लोग उनकी टीम उनके निवास पर सर्च कर रहे हैं। तो जैसे कि आगे कुछ एविडेंस मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें मिलती है, तो आगे की जैसे ही डिलीवर कार्रवाई होगी। सर घटनास्थल क्या रहा है? सर बता दी, इनको कार के अंदर ट्रैक किया गया जी, कार में और गाड़ी मूवमेंट में थी, बाल भवन के आसपास से घूमते हुए इधर उधर घुमा रहे थे वो गाड़ी, उसके दौरान मैदान प्रदान हो गया, तब टीम ने ट्रैक कर लिया और इसलिए इनको वहाँ संबंधित थाने में वहाँ ले जाके कार्रवाई की। ये गाड़ी में कितने लोग पकड़े गए सर, कितने लोग? गाड़ी में ये था, ड्राइवर के साथ में था, ड्राइवर शायद वहाँ से निकल गया। ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। पांच लाख रुपए की ली थी रिश्वत। एंटी माफिया मुहिम में बचाने के मामले में मांगी रिश्वत। मिशन भी कर
करा देंगे। मतलब इस तरह की इनकी डिमांड थी, इस बात को लेके लगभग 50 लाख की डिमांड की गई थी। बाद में इनकी कुछ दो तीन बार बातचीत होती हुई जो करीब 25 लाख रुपये पे आके तय हुई। इनकी सबकी वीडियो रिकॉर्ड जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी इनके आवेदन के बाद से। तो जब वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई तो ये सब चीज़ें सामने आई, उस आधार पर हम लोगों ने उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की और 0 पे एफआईआर करने के बाद आज ये ट्रैक किया है 5 लाख रुपए लेते हुए उसकी पहली किस्त के रूप में। जो जो जिस जमीन पे डुप्लेक्स बनाने का कह दिया था कि आप बना लेंगे बाद में, वो सरकारी जमीन है? वो अभी तक की जो एविडेंस है उसके हिसाब से इनकी खुद की जमीन है और उसकी अपनी जमीन पे ही ये उन्होंने आवेदन दिया था कि मेरी जमीन पे मैं अपना निर्माण कार्य करना चाहता हूँ। तो कुछ कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है उसमें, ऐसा इन्होंने बताया, पर वो अलग इशू हो गया। अभी तो ये इम्पोर्टेंट था कि कोई सरकारी व्यक्ति किसी काम के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है उसको लेते हुए ट्रैक की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता का नाम क्या ये पहले भी इसी तरह से अपार्ट्स डुप्लेक्स बना चुके हैं, अपार्टमेंट्स डुप्लेक्स वगैरह? नहीं, ये पुराना इतना रिकॉर्ड हम दोनों ने लिया अभी। ये कहाँ के रहने? अभी इसके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्चिंग के उस पर भी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, इनको सर पकड़ा कैसे गया, पूरी भूमिका कैसे बनाई? जब सारी रिकॉर्डिंग तैयार हो गई, पैसे की डिमांड तो इनके द्वारा आज बात की गई कि मैं कहाँ कैसे आ जाऊँ, तो कहाँ कैसे पहुँच जाऊँ, तो इनकी आपस में बातचीत हुई। जो जो जगह डिसाइड की गई कि मैं रास्ते में कहीं भी आपको बदल लूँगा, उस आधार पर हम लोग इनके साथ लगातार संपर्क बने हुए थे। हमारी 3-4 टीम बनाई गई थी, चारों टीमें आसपास लगी थी। जैसे क्लियर हुआ कि वो कार में बुलाया हो तो कि कार में मैं कहीं पर भी पड़ा के आसपास बुलाकर पैसे ले लूँगा। तो जैसे इन लोग मिले आपस में, उसके बाद इसका आदान प्रदान हुआ। हमारा जो आपस में इशारा तय था, जैसे टीम को इशारा क्लियर हुआ तो पैसा का आदान प्रदान हो चुका है। उसके बाद टीम ने ट्रैक करके उसको रख गया था। ये एंटी माफिया से जोड़ के बताया जा रहा है कि एंटी माफिया अभियान, ऐसा इसका कोई है क्या लेना देना? नहीं, ऐसा एविडेंस तो मुझे लगता है नहीं है। अभी तो ये था कि इनकी पर्सनली जमीन थी, उस पर अपना निर्माण कार्य करना चाहते थे, उसको तहत तो लेते हुए वो अपने पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन सी लोकेशन में सर इनको गिरफ्तार किया गया? ये अपना बाल भवन और इसके पास से ही कार में बैठ के शुरुआत हुई है अपने, तो वहीं उसका मूवमेंट चलता रहा गाड़ी में घूमते हुए। जैसे इनका आदान प्रदान हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई इसकी पैसे देते समय की, इसकी अब ट्रांसक्रिप्ट वगैरह तैयार की जाएगी। अब इस केस में और आगे क्या क्या करेंगे, इनसे जुड़ी हुई संपत्ति और ये सारी चीज़ों की जांच करेंगे क्या? अभी घर में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्च के लिए हम लोग उनकी टीम उनके निवास पर सर्च करेंगे। तो जैसे कि आगे कुछ एविडेंस मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें मिलती है, तो आगे की जैसे ही जरूरत कार्रवाई होगी। सर घटनास्थल क्या रहा है सर? इनको कार के अंदर ट्रैक किया गया जी, कार में और गाड़ी मूवमेंट में थी। बाल भवन के आसपास से घूमते हुए इधर उधर घुमा रहे थे वो गाड़ी, उसका मैदान प्रदान हो गया तब की मैं ट्रैक कर लिया और इसलिए इनको वहाँ संबंधित थाने में वहाँ ले जाके कर रही थी। ये गाड़ी में कितने लोग पकड़े गए सर, कितने लोग? गाड़ी में ये था ड्राइवर के साथ में, ड्राइवर शायद वहाँ से निकल गया। ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। पांच लाख रुपए की ली थी रिश्वत। एंटी माफिया मुहिम में बचाने के मामले में मांगी रिश्वत।
एडमिशन भी करा देंगे अपन, इस तरह की इनकी डिमांड थी। इस बात को लेके लगभग 50 लाख की डिमांड की गई थी, बाद में ही कुछ दो तीन बार बातचीत होती हुई जो करीब 25 लाख रुपए पे आके तय हुई। इनकी सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी इनके आवेदन के बाद से, तो जब वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई तो ये सब चीज़ें सामने आई, उस आधार पर हम लोगों ने उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की और 0 पे एफआईआर करने के बाद आज ये ट्रैक किया है 5 लाख रुपये लेते हुए उसकी पहली किस्त के रूप में। जो जो जिस जमीन पे डुप्लेक्स बनाने का कह दिया था कि आप बना लेंगे बाद में, वो सरकारी जमीन है? वो अभी तक की जो एविडेंस है उसके हिसाब से ये मेरी खुद की जमीन है और उसकी अपनी जमीन पे ही ये इन्होंने आवेदन दिया था कि मेरी जमीन पे मैं अपना निर्माण कार्य करना चाहता हूँ। तो कुछ कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है उसमें, ऐसा इन्होंने बताया, पर वो अलग इशू हो गया। अभी तो ये इम्पोर्टेंट था कि कोई सरकारी व्यक्ति किसी काम के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है, उसको लेते हुए ट्रैक की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता का नाम क्या, ये पहले भी इसी तरह से अपार्ट्स डुप्लेक्स बना चुके हैं? अपार्टमेंट्स डुप्लेक्स नहीं, ये पुराना इतना रिकॉर्ड हम लोगों ने नहीं लिया अभी। ये कहाँ के रहने वाले? अभी इसके डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्चिंग के उसके लिए कार्रवाई चल रही है। अच्छा, इनको सर पकड़ा कैसे गया, पूरी भूमिका कैसे बनाई? जब सारी रिकॉर्डिंग तैयार हो गई पैसे की डिमांड, तो इनके द्वारा आज बात की गई कि मैं कहाँ कैसे आ जाऊँ, तो कहाँ कैसे पहुँच जाऊँ, तो इनके आपस में बातचीत हुई, तो जो जगह डिसाइड की गई कि मैं रास्ते में कहीं भी आपको बदल लूँगा, उस आधार पर हम लोग इनके साथ लगातार संपर्क में बने हुए थे। हमारी 3-4 टीम बनाई गई थी, चारों टीमें आसपास लगी हुई थी। जैसे क्लियर हुआ कि वो कार में बुलाया उनको कि कार में मैं कहीं पर भी पड़ा के आसपास बुलाकर पैसे ले लूँगा, तो जैसे इन लोग मिले आपस में उसके बाद इसका आदान प्रदान हुआ। हमारा जो आपस में इशारा तय था, जैसे टीम को इशारा क्लियर हुआ कि पैसे का आदान प्रदान हो चुका है, उसके बाद टीम ने ट्रैक करके उसको रख दिया था। ये एंटी माफिया से जोड़ के बताया जा रहा है कि एंटी माफिया अभियान, ऐसा इसका कोई है क्या लेना देना? नहीं, ऐसा एविडेंस तो मुझे लगता है कि नहीं है। अभी तो ये था कि इनकी पर्सनली जमीन थी, उस पर अपना ये निर्माण कार्य करना चाहते थे, उसको तहत तो लेते हुए वो अपने पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन सी लोकेशन में सर इनको गिरफ्तार किया गया? ये अपना बाल भवन और इसके पास से ही कार में बैठ के शुरुआत हुई है, तो वहीं उसका मूवमेंट चलता रहा गाड़ी में घूमते हुए। जैसे ही आदान प्रदान हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई इसकी, पैसे देते समय की, इसकी अब ट्रांसक्रिप्ट वगैरह तैयार की जाएगी। अब इस केस में और आगे क्या क्या करेंगे, इनसे जुड़ी हुई संपत्ति और ये सारी चीज़ों की जाँच करेंगे क्या? अभी घर में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्च के लिए हम लोग उनकी टीम उनके निवास पर सर्च कर लेंगे, तो जैसे ही आगे कुछ एविडेंस मिलता है, जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें मिलती है, तो अभी की जैसे ही डिलीवर कार्रवाई होगी। सर घटनास्थल क्या रहा है सर? इनको कार के अंदर ट्रैक किया गया है जी, कार में और गाड़ी मूवमेंट में थी, बाल भवन के आसपास से घूमते हुए इधर उधर घुमा रहे थे वो गाड़ी, उनका जब आदान प्रदान हो गया तब टीम ने ट्रैक कर लिया और इसलिए इनको वहाँ संबंधित थाने में। ये गाड़ी में कितने लोग कमरे में सर, कितने लोग? गाड़ी में ये था, ड्राइवर के साथ में था, ड्राइवर शायद वहाँ से निकल गया। और ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। पांच लाख रुपए की ली थी रिश्वत। एंटी माफिया मुहिम में बचाने के मामले में मांगी रिश्वत।
इनकी डिमांड थी, इस बात को लेके लगभग 50 लाख की डिमांड की गई थी। बाद में इनकी कुछ दो तीन बार बातचीत होती हुई जो करीब 25 लाख रुपए पे आके तय हुई। इनकी सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी इनके आवेदन के बाद से। तो जब वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई तो ये सब चीज़ें सामने आई, उस आधार पर हम लोगों ने उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की और जीरो पे एफ आई आर करने के बाद आज ये ट्रैक किया है 5 लाख रुपये लेते हुए उसकी पहली किस्त के रूप में। जो जो जिस जमीन पे डुप्लेक्स बनाने का कह दिया था कि आप बना देंगे बाद में, वो सरकारी जमीन है? वो अभी तक की जो एविडेंस है उसके हिसाब से यही खुद की जमीन है और उसकी अपनी जमीन पे ही ये उन्होंने आवेदन दिया था कि मेरी जमीन पे मैं अपना निर्माण कार्य करना चाहता हूँ। तो कुछ कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है उसमें, ऐसा इन्होंने बताया, पर वो अलग इशू हो गया। अभी तो ये इम्पोर्टेंट था कि कोई सरकारी व्यक्ति किसी काम के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है, उसको लेते हुए ट्रैक की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता का नाम क्या, ये पहले भी इसी तरह से अपार्ट्स डुप्लेक्स बना चुके हैं? अपार्टमेंट्स डुप्लेक्स नहीं, ये पुराना इतना रिकॉर्ड हम लोगों ने लिया है अभी। ये कहाँ के रहने वाले? अभी इसके डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्चिंग के उसमें भी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, इनको सर पकड़ा कैसे गया, पूरी भूमिका कैसे बनाई? जब सारी रिकॉर्डिंग तैयार हो गई, पैसे की डिमांड तो इनके द्वारा आज बात की गई कि मैं कहाँ कैसे आ जाऊँ, तो कहाँ कैसे पहुँच जाऊँ, तो इनके आपस में बातचीत हुई। तो जो जगह डिसाइड की गई कि मैं रास्ते में कहीं भी आपको बदल लूँगा, उस आधार पर हम लोग इनके साथ लगातार संपर्क में बने हुए थे। हमारी 3-4 टीम बनाई गई थी, चारों टीमें आसपास लगी थी। जैसे कि ये हुआ कि वो कार में बुलाया हो कि कार में मैं कहीं पर भी पड़ा के आसपास बुलाकर पैसे ले लूँगा, तो जैसे इन लोग मिले आपस में, उसके बाद इसका आदान प्रदान हुआ। हमारा जो आपस में इशारा तय था, जैसे ही टीम को इशारा क्लियर हुआ कि पैसा का आदान प्रदान हो चुका है, उसके बाद टीम ने ट्रैक करके उसको रखे आपको। ये एंटी माफिया से जोड़ के बताया जा रहा है कि एंटी माफिया अभियान, ऐसा इसका कोई है क्या कहना देना? नहीं, ऐसा एविडेंस तो मुझे लगता है नहीं है। अभी तो ये था कि इनकी पर्सनली जमीन थी, उसमें अपना ये निर्माण कार्य करना चाहते थे, उसको तहत तो लेते हुए वो अपने पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन सी लोकेशन में सर इनको गिरफ्तार किया गया? ये अपना बाल भवन और इसके पास से ही कार में बैठ के शुरुआत हुई है अपने, तो वहीं उसका मूवमेंट चलता रहा गाड़ी में घूमते हुए। जैसे ही आदान प्रदान हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई इसकी पैसे देते समय की, इसकी अब ट्रांसक्रिप्ट वगैरह तैयार की जाएगी। अब इस केस में और आगे क्या क्या करेंगे, इनसे जुड़ी हुई संपत्ति और ये सारी चीज़ों की जाँच करेंगे क्या? अभी घर में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्च के लिए हम लोग उनकी टीम उनके निवास पर सर्च कर रहे, तो जैसे भी आगे कुछ एविडेंस मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इस तरह कुछ चीज़ें मिलती है, तो आगे की जैसे कार्रवाई होगी। सर घटनास्थल क्या रहा है सर? इनको कार के अंदर ट्रैक किया गया जी, कार में, और गाड़ी मूवमेंट में थी, बाल भवन के आसपास से घूमते हुए इधर उधर घुमा रहे थे वो गाड़ी, उनका मैदान प्रदान हो गया, तब टीम ने ट्रैक कर लिया और इसलिए इनको वहाँ संबंधित थाने में। ये गाड़ी में कितने लोग कमरे में सर, कितने लोग? गाड़ी में ये था ड्राइवर के साथ में था, ड्राइवर शायद वहाँ से निकल गया। ग्वालियर नगर निगम के सिटी प्लानर प्रदीप वर्मा गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। पांच लाख रुपए की ली थी रिश्वत। एंटी माफिया मुहिम में बचाने के मामले में मांगी रिश्वत।
ब्रांच इस बात को लेके लगभग 50 लाख की डिमांड की गई थी। बाद में इनकी कुछ दो तीन बार बातचीत होती हुई जो करीब 25 लाख रुपए पे आके तय हुई। इनके साथ की वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई थी इनके आवेदन के बाद से। तो जब वॉइस रिकॉर्डिंग कराई गई तो ये सब चीज़ें सामने आई, उस आधार पर हम लोगों ने उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार की और जीरो पे एफ आई आर करने के बाद आज ये ट्रैक किया है 5 लाख रुपये लेते हुए उसकी पहली किस्त के रूप में। जो जो जिस जमीन पे डुप्लेक्स बनाने का कह दिया था कि आप बना देंगे बाद में, वो सरकारी जमीन है? वो अभी तक की जो एविडेंस है उसके हिसाब से यही खुद की जमीन है और उसकी अपनी जमीन पे ही ये उन्होंने आवेदन दिया था कि मेरी जमीन पे मैं अपना निर्माण कार्य करना चाहता हूँ। तो कुछ कोर्ट में केस वगैरह भी चल रहा है उसमें, ऐसा इन्होंने बताया, पर वो अलग इशू हो गया। अभी तो ये इम्पोर्टेंट था कि कोई सरकारी व्यक्ति किसी काम के लिए पैसे की डिमांड कर रहा है उसको लेते हुए ट्रैक की कार्रवाई की गई। शिकायतकर्ता का नाम क्या ये पहले भी इसी तरह से अपार्ट्स डुप्लेक्स बना चुके हैं? अपार्ट्स मीन्स डुप्लेक्स नहीं, ये पुराना इतना रिकॉर्ड हम दोनों ने लिया है अभी। ये कहाँ के रहने वाले? अभी इसके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्चिंग की उस पर भी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, इनको सर पकड़ा कैसे गया, पूरी भूमिका कैसे बनाई? जब सारी रिकॉर्डिंग तैयार हो गई पैसे की डिमांड, तो इनके द्वारा आज बात की गई कि मैं कहाँ कैसे आ जाऊँ, तो कहाँ कैसे पहुँच जाऊँ, तो इनकी आपस में बातचीत हुई। तो जो जगह डिसाइड की गई कि मैं रास्ते में कहीं भी आपको बदल लूँगा, उस आधार पर हम लोग इनके साथ लगातार संपर्क में बने हुए थे। हमारी 3-4 टीम बनाई गई थी, चारों टीमें आसपास लगी हुई थी। जैसे कि हुआ कि वो कार में बुलाया होता कि कार में मैं कहीं पर भी पड़ा के आसपास बुलाकर पैसे ले लूँगा। तो जैसे इन लोग मिले आपस में, उसके बाद इसका आदान प्रदान हुआ। हमारा जो आपस में इशारा तय था, जैसे टीम को इशारा क्लियर हुआ कि पैसा का आदान प्रदान हो चुका है, उसके बाद टीम ने ट्रैक करके उसको रख दिया था। ये एंटी माफिया से जोड़ के बताया जा रहा है कि एंटी माफिया अभियान, ऐसा इसका कोई है क्या लेना देना? नहीं, ऐसा एविडेंस तो मुझे लगता है नहीं है। अभी तो ये था कि इनकी पर्सनली जमीन थी, उस पर अपना ये निर्माण कार्य करना चाहते थे, उसको तय तो लेते हुए वो अपने पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन सी लोकेशन में सर इनको गिरफ्तार किया गया? ये अपना बाल भवन और इसके पास से ही कार में बैठ के शुरुआत हुई है अपने, तो वहीं उसका मूवमेंट चलता रहा गाड़ी में घूमते हुए। जैसे ही आदान प्रदान हो गया, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई इसकी, पैसे देते समय की, इसकी अब ट्रांसक्रिप्ट वगैरह तैयार की जाएगी। अब इस केस में और आगे क्या क्या करेंगे, इनसे जुड़ी हुई संपत्ति और ये सारी चीज़ों की जाँच करेंगे क्या? अभी घर में कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह की सर्च के लिए हम लोग उनकी टीम उनके निवास पर सर्च कर रहे हैं। तो जैसे कि आगे कुछ एविडेंस मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें मिलती है, तो आगे की जैसे जरूरत कार्रवाई होगी। सर घटनास्थल क्या रहा है? सर बता दी, इनको कार के अंदर ट्रैक किया गया जी, कार में और गाड़ी मूवमेंट में थी, बाल भवन के आसपास से घूमते हुए इधर उधर घुमा रहे थे वो गाड़ी, उसके दौरान मैदान हो गया तब टीम ने ट्रैक कर लिया और इसलिए इनको वहाँ संबंधित थाने में। ये गाड़ी में कितने लोग कपड़े हैं सर, कितने लोग? गाड़ी में ड्राइवर के साथ में, ड्राइवर शायद वहाँ से निकल गया।